आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। याद है ये केस, मैंने कवर किया था इसको 2 महीने पहले, और मैंने आपको, मैं बताता हूं, अगर कोई भी केस मैं कवर कर रहा हूं तो अगर उसमें कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो चार्जशीट फाइल की है बोरीवली पुलिस डिपार्टमेंट ने, अब उसमें काफ़ी कुछ है जो आपको जानना चाहिए, बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारी जो दशहरा सेल है वो लाइव है, तो आप 30% ऑफ है सारे कोर्सेज पे, साल की सबसे बड़ी सेल है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास अभी NLP का कोर्स लेने वाली हैं, 26 अक्टूबर से क्लासेस होंगी। एक साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन आपको पता ही है 1500-2000, पर यहाँ पे पूरे सेशन से सिर्फ 350 के करीब, तो बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स आपको मिलने वाला है। और बाकी NCERT, UPSC, डार्क साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन कोर्सेज टू चेकआउट दीज, ये बहुत अच्छा मौका है। कल लास्ट डेट है, रात 12 बजे हम सेल खत्म करेंगे। ओके, तो कहानी क्या है? कहानी यह है कि ये 31 जुलाई की बात है, आज से तकरीबन 2 महीने पहले सौराष्ट्र मेल पकड़ी यहां पे किसने, चेतन सिंह, ठीक है। तो इन्होंने सौराष्ट्र मेल और इनके साथ 3 और लोग, एक इनके सुपीरियर टीकाराम मीना ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, याद रखिएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे पुलिस फोर्स RPF जिसको बोलते हैं हम, उसका पार्ट थे ये, जिसकी ये जिम्मेदारी पर्टिकुलर होती है कि ट्रेन्स को सुरक्षित रखा जाए। तो लगभग ये रात में भी 9:30-10 बजे के करीब सौराष्ट्र मेल में चले, मुंबई से सूरत गए और वहां पे उतर गए, और वहां से मुंबई जयपुर सुपरफास्ट पकड़ ली, वापस भी आना होता है। सुबह के वही 2:30 बजे होंगे, तो यहां पे चेतन कहता है कि मुझे, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे वलसाड पे उतार दीजिए। तो जो सीनियर है उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ड्यूटी पूरी कर लो फिर चले जाना। फिर उसके बाद इसकी तबीयत वाकई खराब थी, तो इसको स्लीपर में S5 पे एक बर्थ पे लिटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या किया कि जो इनका जूनियर था या जो उसके साथ था, उससे बोला कि मुझे अपनी राइफल दो, तो नहीं माना तो जबरदस्ती करके राइफल लेके भाग गया। तो पहले तो ये गया S6 में, वहां पे एक को गोली मारी, फिर B5 में गया, वहां पे एक को गोली मारी, फिर एक और को गोली मारी, और फिर अपने सीनियर को भी गोली मार दी, ASI टीकाराम मीना, चेन खींच के भाग गया, दहसारी के पास भाग गया और बहुत तेजी से भागा। अब इसके बाद पकड़ लिया गया, जाहिर सी बात है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये भागा तो यहां पे पुलिस जो अंदर थी, जो जवान थे, वो कह रहे थे अपना दरवाजा बंद कर लो, अपनी खिड़की बंद कर लो, वरना ये फायर कर सकता, आपको भी लग सकती है। लेकिन जब ये बहुत तेज भागा तो इसने सबसे पहले क्या किया, सुबह 4:30 बजे इसने अपने अंकल को फोन किया। जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि सुबह 4:30 बजे इसने अपने अंकल को फोन किया, वासुदेव सोलंकी, 46 साल, ये 33 साल का है। अब जब वासुदेव सोलंकी को फोन किया, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था इनका, सबसे अच्छा इनके मामा जी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, और बहुत बढ़िया एक तरीके से आप ये समझिए कि काफ़ी बातचीत होती थी। तो मामा जी ने पहले फ़ोन नहीं उठाया, मामी जी ने उठाया, तो मामी को नहीं बताया, बोला कि नहीं मैं मामा जी से ही बात करूंगा, कोई बात नहीं। फिर इसने सुबह 6:10 बजे से फ़ोन किया, 6:10 मिनट पर फ़ोन किया, और इसने मामा जी से बोला कि मामा जी मैंने 3 लोगों को मार दिया है, 4 लोगों को। तो मामा जी ने कहा, अरे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या कर रहे हो? कहते नहीं मामा जी मैंने मार दिया, आप न्यूज चैनल खोलो। न्यूज चैनल खोला तो सच में इसने मार दिया था, सच में ये मर्डर हो गया था, और बड़ा डेंजरस मर्डर हुआ था। तो बोले कि आप बताइए क्या करें मामा जी, बोले सरेंडर कर दो, और कोई चारा नहीं है, तुरंत सरेंडर करो। मामा जी ने कहा, मामा जी ड्राइवर हैं तो रात में जगे रहते हैं, इसीलिए इनको लगा कि इन्हीं को फोन लगाते हैं। फिर इसके बाद इसने अपनी वाइफ को फोन लगाया। अब आपको बता दूं, 2 बच्चे हैं इनके। अब जब वाइफ को फोन लगाया तो बोला कि देखो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम कहोगी तो मैं अपने आप को भी मार लूंगा, शुड आई शूट माई सेल्फ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं, मेरे बचने का कोई चांस नहीं है, मेरे जो बच्चे हैं, मतलब हमारे जो बच्चे, उनका, उनको अच्छी परवरिश देना, उनका ख्याल रखना अच्छे से, क्योंकि मैं अब नहीं बचने वाला। और उसके बाद आपको पता ही है, पुलिस ने गिरफ्तार किया,
और पुलिस ने फिर अभी अकोला प्रिजन में, अकोला जेल में डाल दिया। और भी जो चीज़ें सामने आई हैं, इसने पैसेंजर से क्या बोला, मैं आपको ये भी बताता हूँ। इसने पैसेंजर से बोला, जो कि वीडियो भी, ये वीडियो क्लिप्स भी पुलिस डिपार्टमेंट में लगा के एज अ रिकॉर्ड सबमिट किए हैं कोर्ट में, चार्जशीट में। तो पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं ये, और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है, उन सबको पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं मोदी और योगी को वोट दो, ये कहा गया, ये इसने बोला। ठीक है, अब इनकी जो माताजी हैं वो ये कह रही कि मेंटली अनस्टेबल है। 2007 में इनके पिताजी की मौत हुई थी, तो और इनके पिताजी भी आरपीएफ में थे, उसके बाद इनको जॉब मिली थी। आपको बता दूं कि बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था, इनफैक्ट चेतन सिंह ने नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है रेलवेज को फुटबॉल में, तो ऐसा फुटबॉल इतना शानदार, 18 साल का हो, तो आपको पता है कि अगर कोई सरकारी में हो और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चे वो ले सकते जॉब, तो मिल गई इनको जॉब। अब इसके बाद इनको जॉब मिली, काफ़ी समय 15 साल तक भाई जॉब की इन्होंने, 33 साल का था ये जब ये रिटायर हुआ, और उसके बाद फिर ये जॉब में आया। लेकिन इनकी जो मदर है वो ये बता रही है कि ये मेंटली अनस्टेबल था। जो इसकी बहू है वो बताती थी कि कई बार, अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एक मथुरा का रहने वाला है, तो रिसेंटली क्या हुआ था कि ये 6 महीने से अपने सर जो है वो दीवार पे देता था, ऐसे पटकता था और उल्टा सीधा बड़बड़ाता था। ये चाहता था मथुराई में रहूं, मथुराई मेरा जो होम टाउन है, मैं मथुराई में, लेकिन इसका ट्रांसफर कर दिया मुंबई, तो उससे बहुत ज़्यादा अपसेट था। जो सीनियर से बोलते थे, सल्यूट भी नहीं करता था, रूडली बात करता था, बिहेवियर सही नहीं था। ये सारी बातें हैं। अभी अकोला प्रिजन में बंद है, अकोला जेल में। अब बड़ी बात यह है कि दोस्तों, जो 4 लोग मरे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हेट्रेड, नफरत इतनी ज्यादा, यहां पे मेन तो मेंटल कंडीशन है ये आप मान के चलिए, लेकिन ये कौन देखेगा? क्या रेलवे को ये देखना नहीं चाहिए कि आप जिसको गन दे रहे हो, आप उसकी मेंटली, आप देखो कि वो मेंटल स्टेबल है कि नहीं। वो उस गन को चलाने, कल को किसी को भी मार दे, अमेरिका वाला इंसिडेंट हो जाए, मार ही दिया उसने। जिस घर का चिराग बुझता है उसको पता होता ना, आप अपने ऊपर इसको लेके देखिए, आपका घर जो चला रहा है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, खबर आ रही के लिए उसको तो गोली मार दी, क्या बीतेगा? ये तो खबर हम दे रहे हैं ना आपको, सुनना तो बड़ा आसान है, लेकिन जिनके ऊपर बीता होगा वो सोचिए, वो अपने गंतव्य तक जाने के लिए निकले होंगे, कल आ जाएंगे भैया पापा तुम्हारे, पता चलता पापा की लाश आ रही है। तो ऐसे लोगों को नहीं लगता आपको कि सजा तो मिलनी चाहिए? रेलवे बोल रहा है कि जिस तरीके का क्राइम इसने किया है बहुत गलत है, लेकिन आप ये देखिए कि जिस, क्या ये नहीं देखना चाहिए रेलवे को? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आप मेंटली स्टेबल हो नहीं हो। उसके बाद फिर जब आपको पता है कि ऑलरेडी ट्रेट्स आपको दिख रहे हैं, सीनियर से सही नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देखो आप। बट वही है कि इंडिया में जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए तब तक हम एक्शन लेते नहीं हैं। दशहरा कूपन कोड यूज़ करिए आप, 30% आपको ऑफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।